एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके तहत इन्वेस्ट इन हेल्थ इनोवेट फॉर होलिस्टिक फ्यूचर थीम पर राइजिंग राजस्थान आयोजित होगा। इससे पहले प्री समिट में अब तक 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU हो चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा लगातार राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं निशुल्क इलाज की सुविधा देने में राजस्थान देश का सिरमौर राज्य है। इस दिशा में जल्द ही हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। इससे पहले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट आयोजित हो रहा है, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में निवेशक बहुत तादाद में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, जिसके तहत अब तक 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU हो चुके हैं। राज्य की 88% आबादी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में। 2024-25 के बजट में 28,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। राज्य के कुल बजट का 8.26% से अधिक 16,176 करोड़ रुपए के MOU हुए। स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक 25,400 करोड़ रुपए से अधिक के MOU। आयुष क्षेत्र में हुए 2,157 करोड़ रुपए के MOU। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट समिट के जरिए चिकित्सा क्षेत्र में 9,243 करोड़ रुपए के MOU। राज्य निवेश पोर्टल पर अब तक स्वास्थ्य क्षेत्र में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि छोटे निवेश ही स्थायी होते हैं, ऐसे में हमें छोटे निवेश पर विशेष फोकस करना चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर भी लोगों को रोजगार मिलता है। CM ने बताया कि प्रदेश की 88% जनता हेल्थ बीमा से कवर है, ये देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि MOU हो जाते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाए। हमारी सरकार निवेश को धरातल पर उतारने का काम करेगी। यह प्रसन्नता की बात है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के प्रति निवेशकों ने काफी रुचि दिखाई है, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि जहां भी हम गए हैं वहां हमने देखा है, और किसी क्षेत्र में नहीं लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी उन कंट्रियों से मांग मिली और वो आने के लिए भी तैयार हैं और हमारे साथ साझा रूप से वो काम करने को तैयार हैं, इसलिए मुझे खुशी उसमें होती है। राज्य निवेश पोर्टल पर अब तक चिकित्सा से जुड़े 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 300 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि बड़े होने चाहिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बड़े से ज्यादा छोटे की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा गांव, हमारा तहसील, हमारा उपखंड, हमारी पंचायत समिति, उसमें काम करने की आवश्यकता है। और उसमें जब हमारा काम होगा तो हमारा, जब गांव का आदमी, युवा, महिला, किसान, मजदूर, अगर वो हमारा आगे उठेगा, उसको सुविधाएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सशक्त होगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस विभाग को बजट में 28,000 करोड़ रुपए दिए हैं। यदि निवेश को धरातल पर उतारना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को प्राथमिकता देनी होगी। इन्वेस्ट इन हेल्थ इनोवेट फॉर होलिस्टिक फ्यूचर थीम पर हो रहे इस प्री समिट में प्रदेश के अलावा देश के दूसरे राज्यों से भी कई फर्मों, फार्मा कंपनीज, बड़े हॉस्पिटल ग्रुप्स, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जी ने जिस विभाग को 28,000 करोड़ रुपए दिए हैं, वो हमारा जो फंड है 28,000 करोड़, और जो निवेश आएगा प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जो अपने, जो प्राइवेट लोग अपने हॉस्पिटल्स लगाएंगे, वेलनेस सेंटर लगाएंगे, मशीन्स लगाएंगे, करेंगे, तो उससे क्या होगा कि राजस्थान का, हमें अब समय आ गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर को हमें प्राथमिकता देना, तो ये जो निवेश जो आएंगे इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा हमारा मेडिकल, वो हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमारे जो आपस में एक, ये एक पार्टनरशिप है,
पार्टनरशिप के साथ जब हम साथ चलेंगे तो अवश्य मेडिकल सर्विसेज के अंदर बहुत भारी इजाफा होगा। राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए अहम कदम, एम्स की तर्ज पर रिम्स किया जा रहा विकसित, सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाया जा रहा आयुष्मान टावर, दो मेडिसिटी बनाने पर हो रहा काम, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे, टेली मेडिसिन को दिया जा रहा बढ़ावा, राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा, राज्य सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा तवज्जो दी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज मिल रहा, कोरोना संक्रमण से मुकाबले में राजस्थान ने देश भर में सराहना हासिल की। इस मौके पर केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़, प्रमुख आयुर्वेद सचिव भवानी सिंह देथा, चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार समेत राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड की एमडी नेहा गिरी, कार्यकारी निदेशक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में निवेशक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से भी और कॉम्प्रिहेंसिव फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज की दृष्टि से भी राजस्थान एक सबसे फेवर्ड डेस्टिनेशन बन गया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल। आपने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, जो हमारी टीयर वन सिटीज हैं, हमारा जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, वहाँ डेफिनेट रूप से टर्शियरी केयर सेक्टर बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जो हमारे टीयर टू टीयर थ्री सिटीज हैं उस पर भी अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इनिशिएटिव छोटा और बड़ा नहीं होता, अगर वो 10 करोड़ का भी इनिशिएटिव है, 5 करोड़ का भी इनिशिएटिव है, तो वो हमारे लिए बहुत वेलकम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह के द्वारा लगातार राजस्थान के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में राइजनिंग राजस्थान से पहले ही 16,000 करोड़ रुपए के MOU हो चुके हैं। वहीं राजस्थान के द्वारा इस बार बजट के अंदर 28,000 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई थी, जो कि राज्य का 8.26% आता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मेडिकल क्षेत्र में लगातार राजस्थान का विकास हो रहा है। कैमरा पर्सन ममतेज के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच में धड़क, जयपुर।